चलिए सो नाउ वी विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्या करेंगे ओके सो नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में वी विल हैव थ्री कैटेगरी. ठीक है तो हमारे पास तीन कैटेगरीज होंगे. Fine. So we have three compounds basically. So उसमें हमारा जो first category है so that is what? तो पहला category है आपका that is monosaccharides. Actually class lock नहीं करने से होगा नहीं because अब तुम लोग इतना देर तक join करोगे तो फिर वन इट इज अ हेडेक फॉर मी. चलिए सो अब जो कोई बोले बोल दो क्लास लॉक्ड हो गया है. तुम्हारा 5 मिनट हो गया अभी तक तुम ज्वाइन नहीं किया. ओके चलिए तो पहला जो कैटेगरी है हमारा सो दैट इज कॉल्ड कुछ लोग जान बुझ के खा पी के आएंगे ना. ओके क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स. ओके उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड सब है पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है सो नाउ वी हैव दिस थ्री कैटेगरीज थ्री हेडिंग्स. नाउ सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स का काम खत्म करेंगे. तो मोनोसैकेराइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे. ओके तो बेसिक बिल्डिंग ओके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्ब्स. ठीक है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्ब्स व्हिच कैन नॉट बी ओके व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन इंटू फर्दर सिंपलर कार्ब्स. ओके माने आप उसको तोड़कर और छोटा कार्ब्स नहीं बना सकते. नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3 to 7 केमिस्ट्री बुक्स में 9 भी लिखा हो सकता है अप टू 9 बट मेरे पास 7 तक का एग्जाम्पल है तो मैं 7 ही बताऊंगा. ठीक है तापरे ऑल ओबे जनरल फॉर्मूला. ओके कौन सा ऑफ जो हमने डिस्कस किया था CnH2ON. ठीक है क्यों क्यों कैन यू टेल मी व्हाई दे ओबे द जनरल फॉर्मूला. बिकॉज इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसीलिए इससे कोई बॉन्ड नहीं बनता. सो दैट इज व्हाई ये दिखाएगा. ठीक है नाउ ऑल आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है ऑल आर स्वीट बट विथ डिफरेंट स्वीटनिंग इंडेक्स. ठीक है ऑल आर स्वीट बट विद डिफरेंट स्वीटनिंग इंडेक्स. उसके बाद क्या पढ़ेंगे तापरे ऑल आर रिड्यूसिंग इन नेचर मतलब ये कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे. ओके ऑल आर रिड्यूसिंग इन नेचर तापरे
they join with each other, they join with each other or with different monosacs to form higher carbs. Okay, so they join with each other to form different monosacs. They join with each other, matlab glucose, glucose ke saath judega, ya different monosacs ke saath judega to form higher carbohydrates. Okay, now all of them use a suffix is. Okay, to sabke naam ke piche lagega kya? O's. जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज तो सबके पीछे लगेगा क्या ओज. तो ये आपका हो गया. तो हमने लिख लिया बेसिक नंबर ऑफ ये और वो भी और स्वीट और एडिटिंग इन नेचर दे जॉइन विद ईच अदर टू फॉर्म. ठीक है जी. ऑल ऑफ देम यूज सफिक्स ओज. ओके सो दे कैन बी रेफर्ड टू एज मोनोमर्स ब्रैकेट रे इन केमिस्ट्री और रेसिड्यूज इन बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में हम लोग मोनोमर टर्म यूज नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में वो लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो ये सब मोनोसैकेराइड्स हो गया. आप इधर क्या लिखेंगे? सो दे आर मेड by the okay they are made by the joining made by the joining of kya 2 to 9 monosaccharide residues. Okay, they are made by joining of 2 to 9 monosaccharide residues with the help of glycosidic bonds. ठीक है. तो with the help of glycosidic bonds. ठीक है. तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड मिलेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. तापर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन वेर the n is equal to number of monosaccharides in the oligosaccharide. ठीक है. तो जितना oligosaccharide लोगे उससे एक माइनस कर दोगे बॉन्ड. ठीक है. तापरे they do not obey the जनरल फॉर्मूला. ठीक है. ये ओपे नहीं करते हैं. तापरे दे मे बी सॉल्युबल इन वाटर. ओके दे मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर. ओके सो दे मे और मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर. ओके तो मे नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर. तापर दे आर स्वीट बट विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ स्वीटनेस. ओके उसमें आप लिख सकते हैं सुक्रोज इज टेकन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ स्वीटनेस. इट्स एस आई इज इक्वल टू कितने 100. ओके तो सुक्रोज का स्वीटनेस इंडेक्स है 100. हेला तो यहां भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं. फ्रुक्टोज इज द
sweetest. Okay, natural sugar. Okay, sweetest natural sugar. Okay, comma, SI is equal to 173 या 174 बहुत बुक्स में भी लिखा होता है. इसमें एक चीज लिखेंगे, कॉमन नेम इज इक्वल टू शुगर्स. तो समझ रहे हो? तो ये याद रखना कि शुगर का मतलब चीनी नहीं होता है, शुगर का मतलब मोनोसैकेराइड होता है. ओके, तो कॉमन नेम ऑफ मोनोसैकेराइड इज शुगर. अंडरस्टैंड? तो ये आपका ऑलिगोसैकेराइड्स हो गया. उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं पॉलीसैकेराइड्स में. तो दे आर मेड अप ऑफ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकेड बॉन्ड्स. नंबर बॉन्ड तो ये हो गया, दे डू नॉट ओबे जेन फॉर्मूला, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ओके, उसी तरह से दे आर नॉट रिड्यूसिंग. क्यों? जब पानी में सॉल्युबल ही नहीं होगा तो रिड्यूसिंग कैसे होगा? दे आर नॉट स्वीट. ओके, दे आर नॉट स्वीट. ठीक है जी, दे आर नॉट स्वीट. नाउ दे मे शो the above properties after क्या hydrolysis. तो अगर उनको तोड़ दोगे तो वो oligosaccharide या monosaccharide बनेगा, तब वो properties show कर सकता है. चलिए, so can you not, ये हमारा discuss खत्म. तो any doubts पूछे इस topic पे? बताइए. एनी डाउट्स? हेलो, इज इट ऑडिबल और नॉट? यस सर. हाँ, तो कुछ इसमें कोई शक है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछो. जब पानी में सॉल्युबल ही नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे कि वो मीठा है या रिड्यूसिंग है? ये सब आपका वाटर सॉल्युबिलिटी के बाद ही होता है. ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पहले तो पानी में सॉल्युबल हो, दे आर ओपेक है कि नहीं, ये लोग ओपेक सब्सटेंस होते हैं, इसलिए ये लोग कुछ शो नहीं करेंगे. और बोलिए सर. सर ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आप वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, उसको आपको कराना पड़ेगा. आपका इसमें एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन नहीं है तो वो क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे. ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो ये, ओके, तो सपोज मैं आपको ऐसे ए दिखाऊंगा तो मिरर में क्या दिखेगा? जल्दी बोलो सर. मतलब पूछोगे तो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं ये आंसर ही नहीं करूंगा. तो इफ आई शो ए, व्हाट यू विल सी? ए सर. ए अगर मैं आपको जे दिखाऊंगा तो आपको कैसा दिखेगा सर? वो मतलब मिरर इमेज का दिखेगा. समझा? तो अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन लाइट को डेविएट कर सकता है, उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. ओके, तो सपोज एक सॉल्यूशन ले लिया आपने, शुगर सॉल्यूशन लिया, अब उसमें से आप एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करिए, ठीक है? तो अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा. अगर वो राइट को मुड़ जाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर वो लेफ्ट को मुड़ जाता है
वो लीवर लेबोरेटरी समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जो लाइट आप घर में है वो चारों दिशा में गिरता है कि नहीं, तो ये जो चारों दिशा में गिर रहा है उसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। आप उसको आप एक निकोल प्रिज्म से पास कराइए, ठीक है। तो जब आप एक निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे ये लाइट मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में गिरेगा। तो सपोज आपका लाइट ऐसे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फाइन। आप इसको सॉल्यूशन से पास करिए, तो जैसे सॉल्यूशन से पास करोगे ये अनचेंज्ड जाएगा। तो अगर अनचेंज्ड जाता है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। अगर ये राइट मुड़ जाता है इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव, अगर वो लेफ्ट रोटेट कर जाता है ऑप्टिकली एक्टिव लीवो रोटेटोरी, समझ रहे हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसका मतलब आइदर वो लाइट को राइट रोटेट करेंगे या वो राइट को लेफ्ट रोटेट करेंगे, समझ में आया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाया बोला जाता है, बट जो हायर कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो हायर कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल ही नहीं है, वाटर ओपेक है, अगर आप लाइट मारोगे तो पार ही नहीं होगा। सो फिर हमने कैसे उसको सॉल्युबल, कैसे उसको कार्बोहाइड्रेट्स में डाला, हमने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि अगर वो हाइड्रोलाइसिस के बाद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, अगर वो हाइड्रोलाइसिस के बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो ये आपका केस हो गया किस चीज का, आपका जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स का। तो आप इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो अब हम लोग हेडिंग दे देंगे क्या, मोनोसैकेराइड्स। तो उस मोनोसैकेराइड में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ कार्बन 3 to 5 होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो पहला टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइओज़ेस। क्यों, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि उसमें ओज लगाएंगे हम लोग, तो ट्राइओज़ेस उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका जनरल फॉर्मूला जाएगा C3H6O3, ठीक है। तो C3H6O3 उसका जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाएगा ग्लिसरल डिहाइड, ओके। तो ऑलवेज दो तरह का एग्जाम्पल होगा, एक एल्डिहाइड एग्जाम्पल होगा, एक कीटोन एग्जाम्पल होगा। कीटोन एग्जाम्पल का नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये आपका ट्राइओज़ेस हो गया। नंबर टू इज टेट्रोज़ेस, ओके, टेट्रोज़ेस। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओके, उसका जनरल फॉर्मूला C4H8O4, हाँ, C4H8O4, एंड उसमें भी दो एग्जांपल्स हम लोग लिख लेंगे, ओके, उसमें क्या लिख लेंगे, एरिथ्रोज, ओके, एरिथ्रोज कॉमा थ्रियोज, ओके, एंड इधर आ जाएगा क्या, एरिथ्रुलोज, समझ में। तो ये एल्डिहाइड है, ये राइट साइड वाला कीटोन्स है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाएगा क्या, पेंटोज़ेस, ओके, पेंटोज़ेस। उसमें जनरल फॉर्मूला है क्या, C5H10O5, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, राइबोज़,
comma 2 prime deoxy ribose, ठीक है, and इधर आ जाएगा आपका example ribulose, ठीक है। Now यहां मैं आपको इसका चेन स्ट्रक्चर भी बना के बताऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ओके, उसी से आपको मैं बता देता हूं। तो इसीलिए जो आपका ग्लिसरलडिहाइड है, ओके, नहीं तो फाइन, तो ग्लिसरलडिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, क्या है इसको, fine, so ये आपका जो ग्लिसरलडिहाइड है इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओके, इसमें हम लोग लेंगे तीन कार्बन, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, लास्ट कार्बन में CH2OH ग्रुप लेंगे। नाउ ग्लिसरलडिहाइड में क्या होगा, OH अगर राइट में है, H अगर लेफ्ट में है, ये फॉर्मूला है D, ग्लिसरल डिहाइड, समझ रहे हो, D ग्लिसरल डिहाइड। तो अगर आपका लास्ट बट वन कार्बन का OH राइट में होगा तो ये D आइसोमर होगा, अगर इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, ये H राइट में ले आएंगे तो ये L आइसोमर, ठीक है। तो इसका मैं एल एन डी कर देता हूं, ये सी एच ओ सी सी एच टू ओ एच, ये ओ एच, ये एच, तो इसमें लेफ्ट में है तो इसलिए इसका नाम क्या है, एल ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। सो ये आपका दो एग्जांपल हो गया। उसी तरह से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कैसे करेंगे, एक दो तीन, एसीटोन मतलब सेकेंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप होगा, तो ये सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फाइन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। उसी तरह राइबोज, तो राइबोज का फॉर्मूला क्या है, इसमें हम लिखेंगे एक दो तीन चार पांच, ओके, एल्डिहाइड ओएच 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 एच एच एच, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, राइबोज का। नाउ लास्ट बट वन कार्बन का ओएच किधर है, राइट में है, तो इसको हम डी राइबोज लिखें, अगर लेफ्ट में हुआ तो एल राइबोज लिखें, एल राइबोज। अब इन दिस, ये जो पोजीशन है सेकंड पोजीशन, इसका अगर ऑक्सीजन उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज़, सी एच ओ दो तीन चार पांच, फाइन। तो अब हमने सेकेंड पोजीशन पे क्या किया, इसमें से एक ऑक्सीजन उड़ा दिया, तो इसलिए ये सेकेंड पोजीशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं टू प्राइम डीऑक्सी, किस में से, राइबोस। सो टू प्राइम डीऑक्सी राइबोस, एंड ये है, ये भी डी होगा क्योंकि लास्ट वर्ड वन पे ओएच राइट है, तो टू प्राइम डी डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डीएनए
शुगर, ये आपका डीएनए में मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं आरएनए शुगर। ओके, नाउ अब इसका हम लोग रिंग फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये चेन फॉर्म है, बट एक्वाटिक कंडीशन में हर समय रिंग फॉर्म मिलता है। तो सपोज ये आपका रिंग है, तो रिंग आपका हर समय वन एंड लास्ट बट वन पोजीशन के बीच में बनेगा। ओके सॉरी क्या वन ये वाला वन ये टू, तो वन एंड लास्ट बट वन पोजीशन। तो ये आपका सपोज सी वन है, सी टू, सी थ्री, सी फोर, ठीक है। तो हर एक का दो दो बॉन्ड है, ओके दो दो बना रहे हैं। तो इधर कौन अच्छी सी एच टू ओ एच, ये आपका दिस इज एच, देख रहे हो। फोर्थ पोजीशन में क्या क्या है, सी एच टू ओ एच एच, ये बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए ये बॉन्ड बना लेगा। आप सी थ्री पे क्या है ओ एच, जो राइट में होगा उसको हम नीचे लिखेंगे एंड जो लेफ्ट में होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। सो दिस इज एच, दिस इज एच, ये आपका आइसोमेरिक पोजीशन है। इसमें अगर ओ एच ऊपर होगा तो बीटा आइसोमर होगा, अगर ओ एच नीचे होगा तो अल्फा आइसोमर होगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बीटा डी राइबो प्यूरानो। ओके इसको हम लोग कहेंगे बीटा डी राइबो प्यूरानो। आप डीएनए बनाएंगे, इसको हम आरएनए शुगर बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में तो एक्वाटिक है ना, तो हमको यही फॉर्म मिलेगा। ओके आप डीएनए बनाते हैं, उसी तरह से पेंटागोनल रिंग बनाएंगे, फाइन। आप ये तो पहला वाला पोजीशन है स्टार, वन टू थ्री फोर, तो ये फिफ्थ पोजीशन है सी एच टू ओ एच एच। आप इधर लगाएंगे ऊपर एच नीचे ओ एच, इधर ऊपर एच नीचे भी एच, तो यहाँ क्या हुआ है, इस जगह पे माइनस ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसलिए आपका ओनली ओ एच में से क्या बच जाएगा एच, बाकी जैसा है। तो सपोज एटा हमें एच ने ले तोड़े ओ एच ने ले, एटा अल्फा आइसोमर है जीवो, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, टू प्राइम डी डीऑक्सी अल्फा डी। ओके टू प्राइम डी डीऑक्सी अल्फा, ओके सॉरी इसको यहां लिख लेते हैं, टू प्राइम डी अल्फा राइबो फ्यूरानोज, और आप आगे भी लिख सकते हो टू प्राइम अल्फा डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज, समझ में आया, तो राइबो फ्यूरानोज। बट इट इज नॉट डीएनए शुगर, क्योंकि डीएनए शुगर बीटा वाला आइसोमर मिलेगा। ओके तो ये आपका जो पेंटोज रिंग हमने बना लिया, ठीक है। तो आपका क्लास टाइम हो रहा है, तो आप आराम से जाइए अच्छे से इसको देखिए, वीडियो में आज ही अपलोड कर देता हूँ, कल हम लोग ग्लूकोज रिंग बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर।